टू भी नाम दिया गया। एंड उसके बाद जैसे आप यहाँ पर टाइप करोगे 12-12 आपके सामने स्पॉन होके आएगा ये बड़ा सा ट्रक। अब आप लोग थोड़ा सा हैरान जरूर होगे कि भाई ये पुलिस कार मैंने स्पॉन कराई एंड ये हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं। चलो ये ट्रिक भी मैं आगे आपको बताऊंगा। पुलिस कार फॉलो करेंगे, टेंशन मत लो। चलो यहाँ पर मैं अगला कोड डालता हूँ। सो यहाँ पर आपको कोड डालना 4000। वैसे ही आपके सामने स्पॉन हो जाएगी पोर्शे करेरा जीटी कार। ये अभी नेक्स्ट वाले अपडेट में है। एंड उसके बाद जैसे आप फोन निकाल के उसमें टाइप करोगे 333 आपके सामने स्पॉन हो जाएगी स्कॉर्पियो क्लासिक। एंड उसके बाद फिर से आपको फोन निकाल के उसमें जस्ट टाइप करना है 444। वैसे आपके सामने स्पॉन हो जाएगी स्कॉर्पियो S11। एंड नेक्स्ट कोड जैसे आप फोन निकाल के डायलर पैड में टाइप करोगे 2000 वैसे ही आपके सामने स्पॉन होके आएगी रॉयल्स रॉयस कार। हो भाई सबसे महंगी कार है हमारे इंडियन बाइक से ड्राइविंग 3D गेम में यही। फिर से आपको फोन निकाल के इसके डायलर पैड में टाइप करना है 6666। जस्ट कॉल करना आपके सामने स्पॉन हो जाएगी रेंज रोवर। फिर से फोन निकाल के आपको इसके डायलर पैड में टाइप करना 800। वैसे ही आपके सामने स्पॉन हो जाएगी ये वाली बुगाटी V2। एंड नेक्स्ट कार का कोड फिर से आपको फोन निकाल के उसके डायलर पैड में टाइप करना है 900। वैसे ही आपके सामने स्पॉन होके आएगी पैकनेस कार। और ये कार पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। एंड नेक्स्ट कार का कोड जैसे आप यहाँ पे फोन निकाल के उसके अंदर टाइप करोगे 500। वैसे ही आपके सामने स्पॉन हो जाएगी ऑडी कार। एंड नेक्स्ट कार का कोड आप फोन निकाल के इसके डायलर पैड में टाइप करोगे 333। जस्ट कॉल करोगे आपके सामने स्पॉन हो जाएगी लैम्बोर्गिनी। एंड नेक्स्ट कार का कोड जैसे आप यहाँ पे फोन निकाल के इसमें टाइप करोगे 700। वैसे ही आपके सामने स्पॉन हो जाएगी लैम्बोर्गिनी V2। अब इसे वेरेनो बोलते हैं। एंड नेक्स्ट कार का कोड जैसे आप फोन निकाल के इसमें टाइप करोगे 9090। जस्ट हमारे सामने स्पॉन हो जाएगी रेड एंड ब्लैक कलर की थार। नेक्स्ट कार का कोड जैसे आप यहाँ पे फोन निकाल के टाइप करोगे 1000। वैसे आपके सामने स्पॉन हो जाएगी फॉर्च्यूनर। और नेक्स्ट कार का कोड जैसे आप यहाँ पर कार नहीं यार इसे प्लेन बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर टाइप करोगे 555 वैसे आपके सामने ये येलो कलर का प्लेन आएगा। एंड नेक्स्ट व्हीकल का कोड यहाँ पर आप फोन निकाल के इसमें टाइप करोगे 800। जैसे आप यहाँ पर डायलर पैड में आओगे 800 टाइप करोगे कॉल करोगे आपके सामने ये ब्लैक एंड रेड कलर का आएगा एक हेलीकॉप्टर। इसका 3D मॉडल अवेलेबल नहीं है, बाकी सभी जो व्हीकल्स हैं उनका 3D मॉडल अवेलेबल है। एंड हाँ, इतने सारे व्हीकल्स हमारे इंडियन बाइक से ड्राइविंग 3D गेम में मिलते हैं जो कि चीट कोड के थ्रू आते हैं। एंड मैंने आपको सारे 22 स्टेप बता भी दिए हैं। आई होप कि आपको सारे कोड्स पता भी चल गए होंगे। अगर जो आपको अभी तक पता नहीं चल गया तो आप लोग टेंशन मत लो, आपको वीडियो को रिपीट करके देख लेना है या फिर अभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है, वहाँ पर आपको इन सभी व्हीकल्स के कोड पिन मिल जाएंगे। ठीक है ना, मतलब पिन क्या यार, वहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। बाकी अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि इन कार्स का 3D मॉडल अवेलेबल है कि नहीं, मतलब आप इनका कलर चेंज कर सकते हो या फिर नहीं, आप देख सकते हो इनका कलर आप बड़ी आसानी के साथ चेंज कर सकते हो। फिलहाल आप डायरेक्टली स्पॉन करके देख लेना आप कर लोगे यार। और यहाँ पर मैं इस हेलीकॉप्टर की बात करूँ ना, तो इसका आप कलर नहीं चेंज कर सकते क्योंकि इसका 3D मॉडल अवेलेबल नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। देखो इसका 3D मॉडल अवेलेबल नहीं है, यहाँ से आप सिर्फ कैरेक्टर को ही डिजाइन कर पाओगे, इसका कलर नहीं चेंज कर पाओगे हेलीकॉप्टर का। बाकी गाइस अब मैं आपको जो कोड्स बताने जा रहा हूँ ना उन्हें ध्यान से देखना क्योंकि हम सभी इन कोड्स को बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं। इवन मैं भी भूल जाता हूँ यार, मैं अपनी बात खुद की करता हूँ। ठीक है ना, मैंने आपको इतने सारे कोड्स बता दिए जो कि व्हीकल के कोड थे। अब मैं आपको सुपर व्हीकल्स के कोड बताता हूँ जो कि हमारे इंडियन बाइक से ड्राइविंग 3D गेम के अंदर ऑफिशियली अभी अवेलेबल है। ठीक है ना, सो मैं अब आपको जो कोड बताने जा रहा हूँ उनको ध्यान से देखना। ओके, तो सबसे पहला कोड आपको यहाँ पर डालना है 9129। ये कोड है इन्फिनिटी हेल्थ का, मतलब हमारे कैरेक्टर की अब इन्फिनिटी हेल्थ एक्टिवेट हो चुकी है। अब हमारा कैरेक्टर जल्दी से मरेगा नहीं, तो ये आपको कोड सबसे पहले एक्टिवेट कर लेना है। रीजन क्या है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पर जैसे कोड डालोगे 12345, अभी ये कोड डालते ही मोर NPC एक्टिवेट हो जाएंगे। देखो रोड के साइड साइड पे मोर NPC एक्टिवेट हो चुके हैं, मतलब ये NPC कुछ ज्यादा ही हो चुके हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट कोड बताने जा रहा हूँ, वो कोड जस्ट इसका उल्टा है। जैसे आप यहाँ पर फोन निकाल के उसके डायलर पैड में टाइप करोगे 54321, वैसे ही आपके सामने मोर व्हीकल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। मतलब देख सकते हो आप मोर व्हीकल्स एक्टिवेट हो चुके हैं। उधर से दो ऑडी आ रही हैं, इधर से काफी सारी कार्स जा रही हैं। सभी के नेम मुझे पता है बट यहाँ पर मैं सभी का नेम नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग ये बस समझना मैं गुस्सा हूँ। चलो नेक्स्ट कोड जैसे आप यहाँ पर डायल करोगे 000, वैसे ही आपके सामने आएगा फ्यूल टैंक जो की होगा इतना बड़ा यार, अभी इसे आप ब्लास्ट कर सकते हो, बताऊंगा कैसे करना है। नेक्स्ट कोड जैसे आप यहाँ पर 0 डायल करोगे आपके सामने 5 गैस टैंक
टैंक आएंगे, फ्यूल टैंक एक आता है 00 टाइप करने पर एंड गैस टैंक 5 आते हैं। अब इन्हें ब्लास्ट कैसे करना है, यहाँ पर यार हथियार निकालो एंड ब्लास्ट मार दो। मैं एक ही एम लेता हूँ एंड यहाँ पर देखो मैंने इसे मारा। अब देखो सारे जो गैस टैंक है और फ्यूल टैंक तो फट ही गया, गैस टैंक देखो कैसा फट रहा है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इधर मूव करके दिखाई देता हूँ। ले यार मैंने रोटेट कर दिया और देखो यार ये तो हमारे पास ही आ रहा है, थोड़ा सा दूर रहना, वो देखो जग गया ना, इसीलिए मैंने अपनी जो इंफिनिटी हेल्थ है ना वो ऑन करी है, तो अभी हमारा कैरेक्टर जस्ट डेथ हो जाता, तो पास आके फट गया था ना, इसलिए मैंने इंफिनिटी हेल्थ ऑन करी है 99। अब यहाँ पर आप जैसे 12-15 डायल करोगे आपका सुपर जंप एक्टिवेट हो जाएगा। आज मैंने एक नई खोज करी है, चलो आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने खोज क्या करी है। ओ, देखो यार कैरेक्टर जस्ट हवा में उछलने लगा, अभी आप इसे ट्राई करोगे तो आप भी बड़ी आसानी के साथ कर पाओगे इसे। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने खोज क्या करी है। जैसे आप यहाँ पर डालते हो सुपर जंप का कोड 12-15, अब इसे आप डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो 12-15 डाल के डीएक्टिवेट कर सकते हो, बट यहाँ पर मैंने 12-16 डाल के डीएक्टिवेट करा। देखो यहाँ पर मैंने 12-16 डाला, यहाँ पर अल्ट्रा सुपर जंप डीएक्टिवेट हो चुकी है। अब गाइस यहाँ पर मैं अल्ट्रा सुपर जंप का कोड डालता हूँ, अभी यहाँ पर जो डीएक्टिवेट हुई ना वो सुपर जंप डीएक्टिवेट हुई। अब मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर अल्ट्रा सुपर जंप का कोड, अब उसका कोड है 12-16। जैसे आप यहाँ पर टाइप करोगे यहाँ पर अल्ट्रा सुपर जंप एक्टिवेट हो जाएगी 12-16 कोड डालने के बाद। यहाँ पर देखो हमारा कैरेक्टर यहाँ पर बस नीचे गिरने वाला है और देखो इसकी डेथ नहीं हुई, ये कारण है इन्फिनिटी हेल्थ के ऑन करने का, इसी वजह से हमारा जो कैरेक्टर है वो मर नहीं रहा है अब तक, इसकी डेथ हो जाती। अब इसे डीएक्टिवेट करना तो आप यहाँ पर 12-15 भी डायल कर दोगे तो यहाँ पर जो अल्ट्रा सुपर जंप थी ना वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके भी आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, देखो ये डीएक्टिवेट हो चुकी है। मतलब साफ है यार आपने कोई भी जंप डाली हो वो आप किसी भी एक कोड के थ्रू उसे डीएक्टिवेट कर सकते हो। चलो मैं नेक्स्ट कोड आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर 11-12 डायल करोगे एंड उसके बाद आपका लेवल 1 का स्लो मोशन एक्टिवेट हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर से आप यहाँ पर 11-12 डायल करोगे फिर से आपका लेवल 2 का स्लो मोशन एक्टिवेट हो जाएगा। अभी तो ये सिर्फ लेवल 2 तक ही गया, चलो लेवल 3 का हम स्लो मोशन डालते हैं। यहाँ पर जैसे आप 11-12 फिर से डायल करोगे एंड यहाँ पर देखो ये लेवल 3 का स्लो मोशन एक्टिवेट हो चुका है। एंड गाइस ये सबसे हार्ड होता है, मतलब आप इस लेवल के भी बना सकते हो। अब मैं बनाने वाला नहीं हूँ, बाकी मैं आपको सिर्फ एक गैस दे रहा हूँ, बाकी ठीक ठाक वगैरह तो आप इंडिया में बनानी है। चलो हम इसे डीएक्टिवेट करते हैं। अब इसको डीएक्टिवेट करने के लिए फिर से हमें वही कोड डालना होगा 11-12। मैंने यहाँ पर 11-12 डायल कर दिया है, देन अभी देखो जो हमारा स्लो मोशन था ना वो डीएक्टिवेट हो चुका है। तो हमने काफी सारे सुपर कोड्स जान लिए हैं। चलो मैं आपको नेक्स्ट कोड के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अभी मैं नेक्स्ट कोड वो वाला ट्राई करने वाला हूँ जिससे आप ऊपर से नीचे तक गिरते आओगे, उसके लिए आपको कोड डालना है 11-20। देखो गाइस ये है कोड स्काईफॉल का। देखो स्काईफॉल एक्टिवेट जैसे ही होती है आप बहुत ही ऊपर से नीचे की ओर गिरते हो। हाँ यहाँ पर मेरा कैरेक्टर मरने वाला नहीं है क्योंकि मैंने इन्फिनिटी हेल्थ को ऑन कर रखा है, यही कारण है कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था ये सुपर कोड जब भी मैं ट्राई करूँ ना उसके लिए आपको इन्फिनिटी हेल्थ को ऑन कर लेना है स्टार्टिंग में ही। अब चलो मैं आपको नेक्स्ट कोड बताता हूँ जो कि है एक सुपर कोड, उसके लिए आपको यहाँ पर 71-12 टैप करना है। अब आपके यहाँ की मून ग्रेविटी को एक्टिवेट हो चुके, मतलब ये जो कैरेक्टर है ना अब ये अपनी बाइक या फिर कार को भी आसमान में बड़ी आसानी के साथ उड़ा सकता है। अब नेक्स्ट कोड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना वो कोड है डॉग का। अब वो एक एनिमल है एंड मैंने उसको सुपर कोड भी दिया। जैसे आप यहाँ पर 600 टैप करोगे आपके सामने ये डॉग आ जाएगा एंड ये डॉग बस कैरेक्टर को फॉलो करता है, इसका अपना ज्यादा कोई काम नहीं होता, इसे आप राइड भी नहीं कर सकते। अब चलो मैं आपको इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री गेम के अंदर ही अवेलेबल कुछ ऐसी जगह को बताता हूँ जो कि इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री गेम को वन ऑफ द बेस्ट गेम बनाती है। देखो मैं अभी यहाँ पर हाउस के जस्ट यहाँ पे खड़ा हूँ, ओके। अब आप किसी भी बाइक के साथ मैं जो रूट आपको बताने जा रहा हूँ उसे फॉलो करते अगर जा पाते हो तो आप उस जगह पहुँच जाओगे जहाँ पर ट्रेन हमें मिलती है। तो मैं इस वाले रूट को फॉलो करते हुए जस्ट आगे बढ़ रहा हूँ एंड आप यहीं से देख सकते हो ट्रेन हमें दिखाई देने लगी। एंड अभी मैं पहुँच चुका हूँ ट्रेन के पास। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रेन को कैसे कंट्रोल करोगे। अब एक तरीका तो आपको पता ही है कि यार आप ट्रेन के पास जाओगे और ट्रेन के अंदर घुस जाओगे, मतलब राइड करने के लिए जाओगे, तो वहाँ पे आप इस ट्रेन को बटन्स के जरिए आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोलिंग इसकी करके दिखा देता हूँ। देखो ट्रेन हमारी कुछ ऐसी लग रही है एंड एयरपोर्ट भी ऐसा, इसका नाम है कल्याण जंक्शन। एंड यहाँ पर देखो ये ट्रेन जस्ट चलना स्टार्ट हो चुकी है एंड मैं आगे चल के थोड़ा सा इसमें ब्रेक लगाऊंगा एंड मैं आपको मोबाइल के थ्रू इस ट्रेन को कंट्रोल करके दिखाऊंगा। बट भाई अभी आप देख सकते हो ये वाली ट्रेन कैसी है यार, इसका टेक्सचर वगैरह काफी तगड़ा, मॉडल भी तगड़ा एंड इसका नाम है मुंबई लोकल ट्रेन।